वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्यवाही हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी विंडोज 11 के होम एडिशन को प्रो एडिशन में चेंज कर सकते हैं और अपनी विंडो में ग्रुप पॉलिसी एडिटर की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को चेंज करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को इतना सिक्योर बना सकते हो कि यदि कोई भी आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करे तो वो ना कोई आपकी सेटिंग चेंज कर सके, ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके, ना ही आपके कंप्यूटर से कोई डाटा चोरी कर सके। ये सब सेटिंग्स आप विंडो के प्रो एडिशन में करेंगे, इसलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अभी विंडो के होम एडिशन में हूँ जिसे हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था। इसके लिए हम विंडो के आइकॉन पर क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और फिर राइट साइड में स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएंगे, फिर हम अबाउट को क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी विंडो का एडिशन अभी होम है, तो चलो इसे प्रो एडिशन में चेंज करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में एक स्क्रिप्ट डाउनलोड की थी, जो लोग लास्ट वीडियो देख चुके हैं वो जानते होंगे, पर जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप पहले गिटहब के इस पेज को ओपन करेंगे। यहाँ आकर आप राइट साइड में रिलीजेस में लेटेस्ट पर क्लिक करेंगे, फिर जो पेज ओपन होगा उस पर आप सबसे नीचे आ जाएंगे और सोर्स कोड को जिप फाइल में डाउनलोड कर लेंगे। विंडो में ब्राउजर की वार्निंग्स को आप इग्नोर करें और फाइल को कीप एनीवे करके डाउनलोड कर ले। फाइल के डाउनलोड होने पर आप डाउनलोड फोल्डर को ओपन करें। डाउनलोड में आने के बाद आप उस फाइल पर राइट क्लिक करें, फिर सबसे नीचे शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करें, फिर एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करके विनरार या 7-zip एप्लीकेशन की हेल्प से उसे एक्सट्रैक्ट कर ले। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इस फोल्डर को ओपन करें, फिर इसमें मास फोल्डर को ओपन करें, फिर इसमें दो फोल्डर दिए होंगे, आप सेपरेट फाइल वर्जन फोल्डर को ओपन करें, इसमें आपको चेंज एडिशन के नाम से एक फाइल दी होगी, आप इसे रन करके विंडो का एडिशन चेंज कर सकते हैं, या फिर आप बैक आके ऑल इन वन वर्जन फोल्डर को ओपन करें और यहाँ जो फाइल दी हुई है उसे रन कर दे। यस बटन को प्रेस करके विंडो परमिशन दे दे, आपके कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन हो जाएगा। विंडो को परमानेंट एक्टिवेट करने के लिए हमने 1 प्रेस किया था, पर अब यहाँ विंडो का एडिशन चेंज करने के लिए एक्स्ट्रास में जाएंगे, जिसके लिए हम अपने कीबोर्ड से 6 प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ 4 अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। विंडोज का एडिशन चेंज करने के लिए हम यहाँ 1 प्रेस करेंगे। थोड़ी प्रोसेस के बाद आपको यहाँ विंडो के सभी एडिशन दिखाई देंगे कि आप किस एडिशन में चेंज करना चाहते हैं। आप यहां से विंडो का कोई भी एडिशन चेंज कर सकते हैं, पर हम अभी यहां प्रोफेशनल के लिए अपने कीबोर्ड से 2 का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहां विंडो का एडिशन चेंज करने के 2 तरीके दिखाई देंगे, फर्स्ट चेंज पीके मेथड और दूसरा CBS अपग्रेड। फर्स्ट मेथड रेकमेंडेड है, इसलिए हम इसके साथ ही जाएंगे और अपने कीबोर्ड पर 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद यदि आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपको ये एरर मैसेज आएगा, आपको अपने इंटरनेट को बंद करके फिर से अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करनी होगी, आपकी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हम अभी अपना इंटरनेट बंद कर लेते हैं, मेरा इंटरनेट लैन केबल से कनेक्ट है, इसके लिए मुझे अपने लैन एडाप्टर को डिसेबल करना होगा, जिसके लिए मैं अपनी विंडो के आइकॉन पर राइट क्लिक करता हूँ, फिर लिस्ट में रन पर क्लिक करता हूँ, रन विंडो ओपन हो जाएगी, फिर मैं यहाँ टाइप करता हूँ ncpa.cpl और ओके बटन को प्रेस करता हूँ, मेरा नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं अपने ईथरनेट को राइट क्लिक करके डिसेबल कर देता हूँ, मेरा इंटरनेट बंद हो चुका है। अब मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करके प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये मैसेज दिखाई देगा, चेंजिंग द करंट एडिशन कोड टू प्रोफेशनल। आप ये नोट पढ़ के अपने कीबोर्ड से 1 का बटन प्रेस करें, आपकी विंडो की अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा और आपका कंप्यूटर कई बार रीस्टार्ट भी हो सकता है। आप पेशेंस रखें और अपनी विंडो की फ्री अपग्रेडेशन का मजा लें। ये सारी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका कंप्यूटर लास्ट टाइम रीस्टार्ट होगा और आप अपनी विंडोज 11 प्रो के डेस्कटॉप पर होंगे। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले अपनी विंडो का एडिशन चेक करेंगे, इसके लिए हम विंडो आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे आकर अबाउट पर क्लिक करेंगे। आप यहां देख सकते हैं अब ये विंडो 11 प्रो एडिशन शो कर रही है, मतलब हमने बिना किसी दिक्कत के अपनी विंडो को होम से प्रो में चेंज कर दिया है। अब हम नीचे प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन पर क्लिक करते हैं। यहां हमारी विंडो अभी एक्टिवेट नहीं है, ये नॉट एक्टिवेट शो कर रही है, चलो इसे एक्टिवेट करते हैं।
तो इसके लिए हम फिर से अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, वहां से विंडो एक्टिवेशन स्क्रिप्ट इस फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर मास फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर ऑल इन वन वर्जन फोल्डर को ओपन करके फिर से उसी स्क्रिप्ट को रन कर देंगे, फिर यस बटन दबा के परमिशन देंगे। स्क्रिप्ट के ओपन होने के बाद हम अब इसे सेकंड ऑप्शन KMS-38 से एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑप्शन से विंडो को परमानेंट एक्टिवेट करके देख चुके हैं। आप चाहे तो परमानेंट के लिए 1 प्रेस कर सकते हैं, पर मैं यहां 2 प्रेस कर रहा हूं, जिससे ये विंडो साल 2038 तक एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं KMS एक्टिवेशन के लिए 1 प्रेस करता हूं। प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, कुछ समय इंतजार करते हैं। कुछ टाइम बाद आपको ये मैसेज मिलेगा, विंडो 11 प्रो इज एक्टिवेटेड टिल 19/1/2038 और आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। यदि आप HWID सिलेक्ट करते तो आपकी विंडो परमानेंट एक्टिवेट होती, कोई टाइम यहां शो नहीं होता। अब आप यदि विंडो एक्टिवेशन पेज पर जाकर रिफ्रेश करें तो आपकी विंडो एक्टिवेट शो होगी। अब हमारी विंडो प्रो एडिशन में चेंज भी हो चुकी है और एक्टिवेट भी हो चुकी है। अब आप अपनी विंडो को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जैसे विंडो की थीम को चेंज करना आदि। जैसे मैं अभी यहाँ डार्क थीम सेलेक्ट कर देता हूँ। विंडो की सभी रिस्ट्रिक्शन जो एक डीएक्टिवेट विंडो में होती है वो सब हट चुकी है। यदि हम फिर से विंडो चेंज एडिशन स्क्रिप्ट को रन करें तो आप यहां देख सकते हैं कि आप विंडो को और आगे अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल, सवर और इंटरप्राइजेस आदि। पर आप इसे फिर से होम एडिशन में इस स्क्रिप्ट की सहायता से चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिर से इसे प्रो से होम एडिशन में चेंज कर सकते हैं। अभी हम इस विंडो को पॉलिसी एडिटर की सहायता से सिक्योर करेंगे, ताकि कोई और व्यक्ति हमारे कंप्यूटर में फाइल्स और सेटिंग को देखने के अलावा कुछ भी ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिसी एडिटर की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, जिनमें हम कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करेंगे, रजिस्ट्री एडिटर को ब्लॉक करेंगे, कंट्रोल पैनल को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम अपने सी ड्राइव को हाइड करेंगे और बहुत कुछ जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो अब हम ग्रुप पॉलिसी एडिटर को ओपन करते हैं, जिसके लिए हम विंडो आइकॉन पर क्लिक करते हैं और सर्च में टाइप करते हैं ग्रुप पॉलिसी, एडिट ग्रुप पॉलिसी। ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर ले। ये पॉलिसी एडिटर आपको विंडो 10 और विंडोज 11 के प्रो एडिशन या इससे ऊपर के एडिशन में ही मिलेगा। तो इसमें दो तरह की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, एक तो कंप्यूटर लेवल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी यूजर लेवल कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम अपनी विंडोज का कंट्रोल पैनल ब्लॉक करेंगे, ताकि कोई भी किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ना कर सके। इसके लिए हम पहले यूजर कॉन्फ़िगरेशन और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे और हम यहां से बहुत सी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल की किसी आइटम को हाइड करना या कुछ आइटम्स को शो होने के लिए स्पेसिफाइड कर देना या फिर कंट्रोल पैनल को ही प्रोहिबिट कर देना आदि। अभी हम इस ऑप्शन प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स को ओपन करेंगे और ओपन होने के बाद रेडियो बटन इनेबल को क्लिक करेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। इससे कंट्रोल पैनल हमारी विंडो में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी ऑप्शंस को बैक करके फिर से मेन लोकेशन पर आ जाएंगे। अब हम नेटवर्क रिलेटेड सेटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके लिए हम पहले कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर विंडोज सेटिंग्स, फिर यहां आके सिक्योरिटी सेटिंग्स, फिर यहां लोकल पॉलिसीज में आने के बाद आप फिर सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाएंगे। यहां आप नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी हम यहां चेक करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी डू नॉट स्टोर लैंड मैनेजर हैश वैल्यूज, ये इनेबल है कि नहीं, क्योंकि ये विंडोज को प्रिवेंट करता है लैंड मैनेजर हैश को स्टोर करने से। अगर ये इनेबल है तो ठीक है, वरना इसे इनेबल कर दें और फिर से बैक आके मेन लोकेशन पर आ जाएं। अब हम फिर से यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वहां से रजिस्ट्री एडिटर और कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करेंगे, जिसके लिए हम यूजर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स और फिर सिस्टम में जाएंगे। यहां आने के बाद हम पहले प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटर टूल्स इसे ओपन करेंगे और इसे इनेबल कर के ओके बटन को प्रेस करेंगे, जिससे हमारी विंडो में कोई रजिस्ट्री एडिटर को ओपन नहीं कर पाएगा। फिर हम इसी लोकेशन से प्रिवेंट एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट इसे ओपन करेंगे और इसे भी इनेबल कर देंगे। फिर नीचे ऑप्शन में डिसेबल द कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट इसे यस करके अप्लाई और ओके कर देंगे, जिससे विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट भी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम यहीं पर ऊपर रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहां से ऑल रिमूवेबल स्टोरेज क्लासेस डिनाई ऑल एक्सेस इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके लिए इसे ओपन करेंगे और इसे भी इनेबल करके ओके कर देंगे, जिससे कोई भी हमारे कंप्यूटर में USB से कोई भी पेन ड्राइव या कोई दूसरी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाटा चोरी में ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है।
इसके बाद अब हम फिर से बैक आके मेन लोकेशन पर आ जाएंगे और अब हम विंडोज इंस्टॉलर को ब्लॉक करेंगे, जिसके लिए हम पहले कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाएंगे, फिर हम विंडोज कंपोनेंट्स पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ विंडोज इंस्टॉलर इसमें जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम पहले टर्न ऑफ विंडोज इंस्टॉलर इस पॉलिसी को ओपन करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे, फिर नीचे डिसेबल विंडोज इंस्टॉलर को ऑलवेज पर सेट करेंगे और फिर अप्लाई करके ओके कर देंगे। फिर हम इसी लोकेशन पर नीचे प्रोहिबिट यूजर इंस्टॉलर इसे ओपन करेंगे और इसे भी इनेबल करके ओके कर देंगे। आपको फिर कभी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो तो आप इसे फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद आप बैक आके फिर से विंडोज कंपोनेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहां से वन ड्राइव फोल्डर को ओपन कर लेंगे और यहां आने के बाद आप प्रिवेंट द यूसेज ऑफ वन ड्राइव फॉर फाइल स्टोरेज इस पॉलिसी को ओपन करेंगे, इसे भी इनेबल करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। इससे विंडो का वन ड्राइव ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी वन ड्राइव से फाइल डाउनलोड या अपलोड नहीं कर पाएगा। इसके बाद आप फिर से बैक आ जाएंगे और मेन लोकेशन से कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप विंडोज सेटिंग्स में जाएंगे, फिर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, फिर आप लोकल पॉलिसीज को ओपन करेंगे और यहां आने के बाद आप सिक्योरिटी ऑप्शंस, फिर अकाउंट्स, गेस्ट अकाउंट स्टेटस इस पॉलिसी को ओपन करेंगे और इसे डिसेबल कर देंगे। इससे विंडो में गेस्ट अकाउंट से एक्सेस ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद आप लोकल पॉलिसी से बैक आ जाएंगे और इसी के ऊपर यहीं पर अकाउंट पॉलिसीज को ओपन करेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड पॉलिसीज को ओपन करेंगे। यहां आप विंडो पासवर्ड से रिलेटेड पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ प्रॉपर्टीज, इसे ओपन करके आप मिनिमम पासवर्ड के लेंथ सेट कर सकते हो। विंडो उससे कम लेंथ का पासवर्ड ही नहीं लेगी और आप मैक्सिमम पासवर्ड एज सेट कर सकते हो, जैसे कि 7 डेज। यदि आप सेट करते हो तो 7 दिन बाद पासवर्ड को फिर से चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ आप एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री प्रॉपर्टीज को शून्य ही रखिए, क्योंकि पासवर्ड हिस्ट्री को रखना भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसके बाद आप फिर से बैक आके मेन लोकेशन पर आ जाएंगे और यहाँ से हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाएंगे, फिर हम विंडोज कंपोनेंट्स को ओपन करेंगे और फिर इनमें सबसे नीचे आके विंडोज अपडेट्स को ओपन करेंगे और यहां आके मैनेज एंड यूजर एक्सपीरियंस इसे ओपन करेंगे और यहां ट्यून ऑफ ऑटो रीस्टार्ट फॉर अपडेट्स ड्यूरिंग एक्टिव आवर्स इस पॉलिसी को ओपन करेंगे और इनेबल करके अपने वर्किंग टाइम को इसमें सेट कर देंगे, जिससे विंडो कभी भी अपडेट्स के दौरान आपके वर्किंग टाइम में रीस्टार्ट नहीं होगी। इसके अलावा आप यहां से विंडो की ऑटोमेटिक अपडेट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसे इनेबल करके आप विंडो की अपडेट्स को बंद कर सकते हैं। और भी यहां विंडो अपडेट्स से रिलेटेड बहुत सी पॉलिसीज दी हुई है, जिन्हें पढ़ के आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर से बैक आके मेन लोकेशन पर आ जाएंगे और फिर यहां से यूजर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, उसके बाद आप विंडोज कंपोनेंट्स में जाएंगे, फिर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। यहां आने के बाद आप हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर इस पॉलिसी को ओपन करेंगे और इसके ओपन होने के बाद आपको यहां नीचे लिस्ट में अलग अलग ड्राइव के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। आप चाहे तो रिस्ट्रिक्ट ऑल करके सभी ड्राइव्स को रिस्ट्रिक्ट आकर सकते हैं, पर हम यहां ओनली सी ड्राइव को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, जिससे हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम पॉलिसी एडिटर को बंद कर देंगे और अपने डेस्कटॉप पर वापस आ जाएंगे और अपनी विंडो को रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो सेटिंग अभी हमने की है उनसे विंडो पर क्या इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके दिखाता हूं। इसके लिए मैं विंडो आइकॉन पर क्लिक करता हूं, फिर सर्च में क्लिक करता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट यहां हमारी रीसेंट में ही है, इसे क्लिक करके ओपन कर देता हूं। आप यहां देख सकते हैं इस पर लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट हैज बीन डिसेबल बाय एडमिनिस्ट्रेटर। इसे बंद करते हैं और रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करते हैं, यस बटन को प्रेस करते हैं। आप देखिए ये वार्निंग आई है, रजिस्ट्री एडिटर हैज बीन डिसेबल बाय एडमिनिस्ट्रेटर। इसे भी बंद करते हैं और अब कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं, ये भी ओपन नहीं हो रहा है, इस पर भी वार्निंग शो हो रही है। अब कंप्यूटर की सेटिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं, विंडो आइकॉन पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करते हैं, कुछ नहीं हुआ क्योंकि सेटिंग भी डिसेबल है। अब हम फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं और दिस पीसी पर क्लिक करते हैं। आप यहां देख सकते हैं सी ड्राइव भी यहां से हाइड हो चुका है। इस प्रकार आपने अपनी विंडो को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई चाहकर भी आपके कंप्यूटर के साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।